राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया बड़ा झटका। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले चुनाव प्रचार में जबरदस्त गर्मी आ गई है। अन्य चार राज्यों में विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है और यहां प्रचार और भी चरम पर आ चुकाएगा। इससे पहले शुक्रवार को राज्य में रैलिया में जनसभाएं करते हुए केसीआर पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केसीआर की सरकार ने पिछले 10 साल में राज्य और जनता को लूटा है। वहीं उन्होंने आईएमएम में बीजेपी को बताया है और उससे बीआरएस और बीजेपी को एक ही बता दिया है आईएमआई ने। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में उनका राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। जब इंदिरा गांधी जी को जबरदस्त जरूरत पड़ी थी तब तेलंगाना की जनता उनके साथ खड़ी रही, इसलिए हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना बनाने की बात हुई थी तो सोनिया गांधी जी ने निर्णय लिया है कि तेलंगाना की एक राज्य बनेगा और कांग्रेस नेता ने कहा है कि कांग्रेस ने तेलंगाना एक परिवार के लिए नहीं बनाया था, लेकिन आज एक परिवार तेलंगाना का पूरा धन लेकर बैठा है। कालेश्वर प्रोजेक्ट, धरनी पोर्टल जैसी कई योजनाओं के लिए आपके सीएम ने आपसे लंबी रुपये और अरबे रुपये को लेकर के काम ले लिया, लेकिन कुछ करवाया नहीं। उसको लेकर यहाँ पर रैली में तमाम राहुल गांधी ने बड़े बड़े वादे कर दिए और जबरदस्त उनकी रैली में भीड़ देखने को मिली, जिससे लग रहा है कि तेलंगाना में अब कांग्रेस में होएगा। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।